राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 21। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 21। नाबोत की हत्या और ईश्वर का क्रोध। नाबोत नाम एक इज़राइली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा अहाब के राजमंदिर के पास इज़राइल में थी। इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा, नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने अहाब से कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। इज़राइली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग न दूंगा, अहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन न किया। तब उसकी पत्नी इज़ेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने इज़राइली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसकी संति दूसरी दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे न दूंगा। उसकी पत्नी इज़ेबेल ने उससे कहा, क्या तू इसराइल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो, इज़राइली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यो लिखा कि उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब दो नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर उससे कहेंगे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की, तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उसको पत्थरवाह करना कि वह मर जाए। इज़ेबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। तब दो नीच जन आकर उसके सन्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध यह साक्षी दी कि नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। इस पर उन्होंने उसे नगर से बाहर ले जाकर उसको पत्थरवाह किया और वह मर गया। तब उन्होंने इज़ेबेल के पास यह कहला भेजा कि नाबोत पत्थरवाह करके मार डाला गया है। यह सुनते ही कि नाबोत पत्थरवाह करके मार डाला गया है, इज़ेबेल ने अहाब से कहा, उठकर इज़राइली नाबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु मर गया है। इज़राइली नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही अहाब उसकी दाख की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। तब यहोवा का यह वचन तिशपी एलिय्याह के पास पहुंचा कि चल, शोमरोन में रहने वाले इसराइल के राजा अहाब से मिलने को जा, वह तो नाबोत की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वो वहां गया है, और उससे यह कहना कि यहोवा यो कहता है कि क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यो कहता है कि जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लोहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लोहू चाटेंगे। एलिय्याह को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। मैं
तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और अहाब के घर के एक एक लड़के को और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इसराइल में हर एक रहने वाले को भी नाश कर डालूंगा, और मैं तेरा घराना नबात के पुत्र यारोबाम और अहिया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इसराइल से पाप करवाया है। और इजबेल के विषय में यहोवा यह कहता है कि इजराइल के किले के पास कुत्ते इजबेल को खा डालेंगे। अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उसकाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। वह तो उन इमोरियों की नाई जिनको यहोवा ने इसराइलियों के सामने से देश से निकाला था बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने कपड़े फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पाओ चलने लगा। और यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा कि क्या तूने देखा कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, परंतु उसके शत्रु के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा।